चलो अभी भी सारा बेबी आई है, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। सारा ये? अच्छा चलो तुम फ्रेश जूस निकालो, मैं देखती हूँ। हेलो बेटा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हेलो आंटी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। वो एक्चुअली मेरी गाड़ी आपके घर के बाहर खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा जब तक ड्राइवर ठीक करता है मैं आपसे आके मिल लूं। अरे बेटा, इसमें इतना फॉर्मल होने की क्या बात है? तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ, वजह बताने की जरूरत नहीं है। थैंक यू आंटी। वैसे मैं मामा की बातों की वजह से आपसे सॉरी करना चाह रही थी। नहीं बेटा, इट्स ओके। बेटी की माँ है, उनका फिक्रमंद होना बनता है। वो तो है, लेकिन इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं था ना? उन्हें आपसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। इट्स ओके बेटा, तुम छोड़ो इन सारी बातों को, वो हम बड़े आपस में निपटा लेंगे। आओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा जूस बनवाती हूँ। गर्मी हो रही है ना आज बहुत। आज मापारा नहीं आई, अब तक देर हो गई काफी। जी माँ जी, इस टाइम तक तो आ जाती है। अब मैं फोन करूँ? हाँ फोन करो, पूछो कब तक आएगी। आपकी बात करवाऊँ? नहीं नहीं, मेरी बात मत करवाओ, उससे पूछो कब आएगी, खाना लगा लेना। जी मैं जब तक नमाज पढ़ लूँ। जी ठीक है। बाजी जी, बाजी जी। क्या हो गया, शोर क्यों मचा रही हो? मापारा टीवी में आ रही है। क्यों, एक्टिंग शुरू कर दिया क्या? रिमोट पकड़ा। जाओ। कुछ दिन कबल होने वाले ड्रामे का खुलासा। मुल्क के मशहूर बिल्डर पर इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने वाली अफसर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रैंड लैंड सिटी के ऑफिस में। ताज़ा मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक मुल्क के मरूफ बिल्डर पर इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने वाली ये लड़की कोई और नहीं, दरअसल उनके घर की मुलाजमा थी। मापारा ग्रीनलैंड बिल्डर्स की एम्प्लॉय। हेलो। हेलो मामा। सारा बेटा, आप कहाँ हैं? वो मैं शैला आंटी के घर आई थी, गाड़ी खराब हो गई थी उनके घर के बाहर। न्यूज देखी आपने? नहीं, क्यों? बेटे, मापारा गॉट अरेस्टेड। व्हाट? व्हाई? यू वुडंट बिलीव इट इवन इफ आई टोल्ड यू। बताएं तो सही प्लीज। तुम एक काम करो, तुम खुद न्यूज खोल कर देख लो जरा टीवी पे। जरीना, यहाँ रुक जा। बेटे जूस। आंटी वो टीवी रिमोट। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। क्या हुआ, खैरियत तो है? सब ठीक है ना सारा? ताज़ा इत्तला के मुताबिक ग्रैंडलैंड सिटी की हेड ऑफ स्ट्रेटजी अपने ही ऑफिस में रिश्वत लेती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई। याद रहे कि ये वही ऑफिसर हैं जिन्होंने कुछ अरसा कबल मुल्क के मारूफ बिल्डर पर गैर मायारी काम और धांधली का इल्जाम लगाया था। सुनने में आया है कि माँ पारा हुसैन के वालिद फजल बिल्डर के यहाँ मुलाजिम थे और अपने इसी लालच की वजह से वो माजी में भी बहुत सी गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलविस रही हैं। उनके वालिद उनकी इन बिगड़ी हुई हरकतों की वजह से उनसे सख्त खफा थे और इसी वजह से वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। Thank you.
जानती हूँ आंटी, इसे ये ऐसा नहीं कर सकती। तुम कैसे जानती हो उसे? भाभी आपको याद है मेरी दोस्त माँ पारा, आप इससे मिली भी थी हमारे घर पे, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हाँ तो उसने कुछ गलत किया होगा ना, वरना पुलिस किसी को इस तरह अरेस्ट नहीं करती। वो कुछ भी कर सकती है लेकिन जिस जुर्म के लिए उसे गिरफ्तार किया है वो नहीं कर सकती। बेटा तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि अंकल वो कई महीने हमारे घर रह चुकी है। कभी कोई हेल्प नहीं एक्सेप्ट की, कोई फेवर्स नहीं लिए। असूलों की पक्की गैरतमंद और इज्जतदार लड़की है। मैं नहीं मान सकती कि वो किसी से रिश्वत ले सकती है। आप बहुत मासूम हैं सारा। आप नहीं जानती कि ऐसी लड़कियां कब और क्या कर सकती हैं। लेकिन मॉम वो ऐसी तो नहीं थी। अगर ऐसी नहीं थी तो उसने हमें ये क्यों नहीं बताया कि वो पहले से आपके ससुराल वालों को जानती है? लेकिन मामा। सारा प्लीज, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, अपना सामान उठाइए और चलिए। ड्राइवर आपकी गाड़ी बाद में ले आएगा। इजाजत दीजिए, हमें चलिए उठाइए अपना सामान। लेट्स गो। जवाब दीजिए, आपको बताना पड़ेगा। जवाब दीजिए। आप प्लीज मुझे मेरा फोन दे दीजिए, मुझे कॉल करनी है। सबर करो बीबी, तुम्हारे चाहने वाले खुद आ जाएंगे। लेकिन मुझे घर पर फोन करना है, मेरी दादी परेशान हो रही है। तो ऐसी हरकतें क्यों करती है कि घर वालों को परेशानी हो? मैं कितनी बार आपको बताऊं कि मैंने कुछ नहीं किया। एक बार, सिर्फ एक बार।
जरा मुंह तो इधर करें। थोड़ा दुपट्टा पीछे कीजिएगा। सर वीडियो तो बनानी नहीं दे रही, आप कहें तो आपको लाइव दिखा दूं। आपके बड़े भैया, ओ सॉरी सैया, सैया से बात हो रही है। आप भी करें कुछ बात। तुम्हारे खाते में एक और गुनाह का इजाफा हो गया। मीडिया को सब कुछ बताकर तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। सर काम तो आपने खुद ही आसान कर दिया मीडिया को बुलाकर। काफी शोहरत मिल चुकी है मैडम को, अब इन्हें एहसास होगा कि किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाने का अंजाम अच्छा नहीं होता। अब पता चला महापारा के इज्जत नीलाम होना किसे कहते हैं। मैंने कहा था ना, उस थप्पड़ की गूंज को तुम्हारी बदनामी के शोर में बदल दूंगा। देखो माँ पारा, तुमने फजल बिल्डर्स के साथ दुश्मनी बना ली और मेरा नहीं ख्याल वो खामोश रहेंगे, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। खालिस डायमंड है मैडम, आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की के लिए खास तौर पे सुहेल साहब ने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए। बस एक बार आप अपने फैसले पर नजरसानी कर लें। निकल जाओ अभी इसी वक्त यहां से और जाकर सुहेल साहब को और उनके वालिद को भी ये बात बता दो कि लोगों को पैसों से खरीदना छोड़ दें, वरना बहुत नुकसान उठाएंगे। हमारे नुकसान की छोड़ें मैडम, आप अपने फायदे की सोचें। कोई नेटवर्क का मसला लग रहा है, बेल भी नहीं जा रही। फयाज को फोन कर दो, वो बता देगा, उसे उसका फोन तो उठा लेते हैं ना। काला बी को फोन कर दे, परेशान होंगी, पता भी पूछ लेगा, है अकेली है। चलो बीबी फोटो सेशन करते हैं और एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। इधर यहां देखो, अरे यहां तो देखो, दुपट्टा डालना थोड़ा। शाबाश, वेरी गुड। तुम्हारे भैया के लिए बना रहा हूं, देखकर खुश हो जाएंगे। थैंक यू। अरे सुनो,
मैडम को इज्जत से लॉकर में बंद कर दो और मटके में पानी भी भर देना। जाइए मैडम। नहीं प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मेरी बात क्यों यकीन नहीं कर रहे? कुछ नहीं किया है। जी भैया, भेजी जाए वीडियो आपको। ये लो चेकबुक और जो लिखना है लिखो। वैसे भी तुम्हें अपनी कीमत लगाने का बहुत शौक है। मैंने जो कुछ लिखना था इस फैक्ट शीट में लिख दिया और इसकी अनाउंसमेंट आपने टीवी पर तो सुन ली होगी। तो इस फैक्ट शीट को घर लेके जाइए और इन फैक्ट्स को घर बैठकर झुटलाने की साजिश करें। मां पारा ना, प्लीज गेट आउट। That was my checkbook. तो निकाल ले। इस गंदे से डस्टबिन से। ये गंदा डस्टबिन बहुत सारे लोगों की सोच और कैरेक्टर से ज्यादा साफ है। मां पारा के बारे में सोच रहे हो? 2 करोड़ रुपए की ऑफर की थी मैंने उसे, ठुकरा दी डायमंड के लिए। जेवर तो शुरू से ही उसकी कमजोरी है। मॉम, अगर उसे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इतनी बदनामी। रात में तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, बादशाह की कहानी। कहानी? हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाए। एक बादशाह था, उसे अपने दरबार में मांगने वाली हसीन भिखारन से इश्क हो गया। उसने दुनिया और दुनिया के उसूलों के खिलाफ जाकर उस भिखारन से शादी कर ली। बादशाह उस भिखारन से बेपनाह इश्क करता था। उसके मुंह से निकलने से पहले ही उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी, मगर फिर भी वो पहले की तरह खुश नहीं रहती थी। उसके लिए तरह तरह के खाने बनवाता, मगर भिखारन मलका की सेहत थी कि गिरती जा रही थी। क्यों? यही सवाल बादशाह ने अपने महल के हकीमों और तबीबों से भी किया, लेकिन कोई भी उसे इस बात का जवाब नहीं दे सका। फिर महल में मौजूद एक दाना ने एक अनोखा सा मशवरा दिया बादशाह को। क्या? उसने कहा कि अगर बादशाह मलका को खुश देखना चाहता है तो फौरी तौर पर उसकी तमाम आसाइशात और उसके खाने पीने पर पाबंदी लगा दे। बादशाह को यह मंतक समझ ही नहीं आई, लेकिन फिर भी चूंकि बादशाह मलका से बहुत मोहब्बत करता था तो उसने उस दाना की ये बात मान ली। फिर मलका बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश, सेहतमंद हो गई। कैसे? यही सवाल बादशाह ने दाना से भी किया, तो पता है उसने क्या जवाब दिया? क्या? उसने कहा कि मलका पैदाइशी भिखारन है, उसे मांग कर, छीन कर, चोरी करके खाने की आदत है और इसी में उसे इत्मीनान और खुशी मिलती थी। तो बादशाह ने उसे इस तरह की फरावानी देकर उसकी फितरी आदत से दूर कर दिया था, इसलिए वो परेशान हो गई थी, तो इससे उसकी सेहत भी खत्म हो गई। इस कहानी से महापारा का क्या ताल्लुक है? बेटा, महापारा को भी जिंदगी में छोटी छोटी बेईमानियां करने की आदत है। वो एकदम से तुम्हारी इतनी बड़ी ऑफर कबूल करके अपनी रोज रोज की खुशी तो नहीं गंवाना चाहेगी ना? Come on, mom. बेटा प्लीज, तुम थक गए होगे, जाओ जाकर आराम करो, सुबह के उठे हुए।
हेलो सालार, कब से फोन कर रहा हूँ यार, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? अरे क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो? तुमने न्यूज़ देखी? नहीं तो यार, माँ पारा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तुम फौरन न्यूज़ देखो। What? कुछ दिन कबल होने वाले ड्रामे का खुलासा। मुल्क के मशहूर बिल्डर पर इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने वाली अफसर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रैंड लैंड सिटी के ऑफिस में। ताज़ा मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक मुल्क के मरूफ बिल्डर पर इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने वाली ये लड़की कोई और नहीं, दरअसल उनके घर की मुलाजमा थी। अच्छा ये बताओ कि आज तुम्हारे ऑफिस में कौन आया था? मेरा मतलब है ऑफिस के रूम में। कौन? वही जो खुद को तुम्हारा रिश्तेदार बता रहा था और बाद में तुमने ऑफिस से निकाल दिया उसे। देखो माँ बारा, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऐसी बातें छुपती नहीं है। अगर तुम उससे शेयर करना चाहती है तो प्लीज। नहीं, वाकई कोई मसला नहीं है और मैं वैसे भी किसी और वजह से परेशान थी। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ऑफिस के बाहर किसी को थप्पड़ मारा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? बताओ प्लीज, मैं तुम्हारी। जब मुझे जरूरी लगेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है सलीम, सब झूठ बोल रहे हैं, सबने मिलकर उसको पहले भी बदनाम किया था। खाला भी, ये इस किस्म की बातों का वक्त नहीं है, आप मुझे पता बताएं, मैं पहुंचता हूं। मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी बच्ची चाहिए। कहाँ है, जरा पता तो करो किस थाने में है वो। खाला भी, सालार के दोस्त की बात हुई है उससे, वो आ रहा है। सालार ले आएगा ना उसे? देखें, जब वो सब कुछ छोड़ सकता है उसके लिए तो वो उसे छुड़ा भी लाएगा। सलीम, बहुत ताकतवर लोग हैं वो। पता है खाला भी, मैंने खबरों में देखा था। कब आएगा सालार? आप फिक्र मत करें, आ रहा है। दिन कबल होने वाले ड्रामे का खुलासा। मुल्क के मशहूर बिल्डर पर इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने वाली अफसर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रैंड लैंड सिटी के ऑफिस में। ताज़ा मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक मुल्क के मरूफ बिल्डर पर इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम करने वाली ये लड़की कोई और नहीं, दरअसल उनके घर की मुलाजमा थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया, शायद तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था।
मुझे पहले ही बता था, मापारा को जेल भेजने में आपका हाथ है। हाथ? मेरी तो नजर है उस पर। चाहते ये बात सबको पता चल गई तो अंजाम क्या होगा? कौन बताएगा? महापारा, उसकी सुनेगा कौन? कौन सुनेगा महापारा की? तुम तो बताने का नहीं सोच रही? हाँ, सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुमने ये सोचा ना तो फिर तुम ये भी सोचो कि अगर सबको ये पता चल जाए कि तुम पहले से जानती थी कि मापारा जिंदा है, बल्कि वो तो कभी मरी नहीं, तो तुम्हारा क्या होगा? ये बात सबको पता है। ये भी पता है कि रायद और सारा की मंगनी के तुम इसलिए खिलाफ थी के? ये बात मम्मी जी को पता है। और ये भी जानती है कि मापारा की बेगुनाही तुम पहले से जानती थी। ये बात सिर्फ आपको बदनाम करती कि सुहेल बदनाम। तो होने दो, मैं तो इस घर का सगा हूं, सगा कर लूंगा मैनेज, जानती हो ना तुम। लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये सोचो, तुम इस घर से जाओगी हमेशा के लिए। आप कहाँ जा रहे हैं? उस महापारा से मिलने थाने? उसके अपने बहुत परेशान होंगे, उन्हें दिलासा भी तो देना है ना। तुम आराम करो, ठीक है? बल्कि नहीं, तुम आराम करो। क्या ये सच है कि आपका बेटा मापारा का बाप उसकी हरकतों की वजह से उससे नाराज था? मेरी पोती ने कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन न्यूज में तो दिखा रहे हैं कि वो रिश्वत देती हुई पकड़ी गई है, इसमें कोई तो सच्चाई होगी। ऐसे ही तो कोई कंपनी वाले पुलिस को नहीं बुला लेते? सब झूठा इल्जाम है, झूठ बोलते हैं टीवी वाले। क्या ये भी झूठ है कि आपका बेटा उनके घर में मुलाजिम नहीं था? आपकी पोती ने उनके दोनों बेटों को वर्ग लाने की कोशिश नहीं की थी? जा सकते हैं आप लोग यहाँ। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरी बच्ची बेकसूर है। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप हमारे साथ नहीं रहते हैं। साथ दो, कोई तो सच का साथ दो। मैं दूंगा सच का साथ और मैं छुड़ाऊंगा उसे। आप लोग प्लीज यहाँ से जा सकते हैं। क्या ये सच है कि फजल बिल्डर भी इसमें इन्वॉल्व है? हम आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। हमारे हर सवाल का जवाब देना होगा। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप हमें यहाँ से जाने का नहीं बोल सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा।
छुड़ाएंगे उसको? इतनी गैरत है आप में? गैरत भी है और हिम्मत भी, और मेरा सच ये है कि मुझे वो चाहिए। सुहेल मियां, खुदा से डरें। अरे आप दुनिया से डरें। आपको पता है इस दुनिया वाले ना बहुत बुरे लोग हैं, देखा नहीं अभी आपने, पीछे पड़ गए थे ना, हैं? समझे इस बात को। अल्लाह का वास्ता उसका पीछा छोड़ दे, क्यों इतनी अजियत दे रहे हैं उसे? मैं अजियत दे रहा हूं? मैं अजियत दे सकता हूं उसे? आप ज्यादती करती हैं सुलेखा भी। अरे आपने देखा नहीं उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो कह रहा हूं आप चले मेरे साथ और चल के उसे समझाएं। मैं लेकर जाता हूं आपको, उसको जेल से छुड़ा लेते हैं। अभी? हाँ अभी। मेरी शर्त याद है ना आपको? मुझे वो चाहिए। खुदा के कहर से डरो सुहेल। अगर अल्लाह ने तुमको बहन बेटी नहीं दी तो दूसरे की बहन बेटी की इज्जत तो ना उछालो। आप सब ना एक जैसे हैं, जिद्दी और कम अकल। सर खोना बेकार है यहां पे। कैसे समझाऊं? अब भुगते हैं? बेटी को हिफ्ज़ो अमान में रखना।